बिगनर फॉर पाइथन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम देखेंगे लूप स्टेटमेंट, तो जानने की कोशिश करते हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में। पाइथन में बेसिकली टू टाइप्स के लूप स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कमांड्स कहेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप स्टेटमेंट और व्हाइल लूप स्टेटमेंट। तो फॉर लूप से शुरुआत करते हैं। फॉर लूप और ये लूप स्टेटमेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं? अगर आपको किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है और लॉजिकल कोड वहाँ पे लिखना है, तो हम फॉर लूप या व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एक्स इक्वल टू आई सेमी कोलन एक्स लेस देन इक्वल टू फोर सेमी कोलन एक्स प्लस प्लस। यानी पहले इनिशलाइज करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं और उस वैल्यू को फिर बाद में स्टेटमेंट प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप उल्टा है। यहाँ पे हम एक्स का जो वैल्यू है हमने इनिशलाइज नहीं किया है और एन में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो हम आरे को प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लीस्ट ट्यूपल को प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप को इस तरह से लिखते हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग सा हो जाता है, कोलन लगाते हैं ताकि वो ब्लॉक ऑफ कोड्स को लिख सके, और सी प्रोग्रामिंग में ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास का यूज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम पाइथन की बात करते हैं। पाइथन में मैंने यहाँ पे एक यन लिस्ट के तौर पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल यन, और उसमें जो कंटेंट है वो 10, 20, 30 एंड 40 ये इनिशियलाइज किए हैं। अभी मुझे ये वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, यानी यन की वैल्यू क्या है वो प्रिंट करना है। तो मैं फॉर लूप का अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक्स इन यन लिखा हुआ है, यानी यन की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ये शुरू में 10 को प्रिंट करेगा, फिर 20 को प्रिंट करेगा, फिर 30 को प्रिंट करेगा, फिर 40 को प्रिंट करेगा, इस तरह से प्रिंट करता जाएगा, यानी मल्टीपल टाइम इस प्रिंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है जैसे बनाना, अगर बनाना के एक एक कैरेक्टर को अगर आप प्रिंट करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे फॉर एक्स इन बनाना, तो ये हर एक कैरेक्टर को एक न्यू लाइन में प्रिंट करा देगा। अगर हमें 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं फॉर लूप में, तो यहाँ पे एक रेंज फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 10, 1, यानी हर एक इसमें एक का डिफरेंस होगा, यानी 1 प्लस 1 यानी 2, 2 प्लस 1 यानी 3, इस तरह से ये प्रिंट करेगा। मतलब 1 से ये स्टार्ट करेगा 10 तक। तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं पाइथन स्पाइडर में। तो सबसे पहले हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट में 10, 20, 30 एंड 40, फोर एलिमेंट्स यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन ए कोलन, यहाँ पे कोलन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और आई की वैल्यू प्रिंट करना है तो आई। अभी हम इसे कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये रिजल्ट शो करा देगा 10, 20, 30 एंड 40, इस तरह से। अगर हम यहाँ पे ट्यूपल्स या फिर और कोई चीज़ें यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिस्ट में स्ट्रिंग भी लिख देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हमने टेस्ट और इसे कंपाइल किया, तो ये वहाँ पे भी टेस्ट शो करेगा, यानी न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग को भी शो कर रहा है। अगर हम इसकी जगह पे कोई स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे कोई नेम लेते हैं और इसको प्रिंट करने की कोशिश की, तो ये पूरे कैरेक्टर्स को प्रिंट करा देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से। अगर आपको फॉर लूप यूज करके 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर जो वेरिएबल है वो आई इन, और यहाँ पे यूज करेंगे रेंज फंक्शन को, और उसके बीच में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 10, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट आई, क्योंकि आई में ये सारे नंबर स्टोर होंगे, तो हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद ये 0 से स्टार्ट करता है और 9 तक, यानी पूरे 10 नंबर्स को प्रिंट किया। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट करे और 10 तक ख़त्म हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 11।
तो ये ऑटोमेटिकली 10 नंबर्स को प्रिंट करेगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। अगर हम यहाँ पे इसमें हर एक इसमें 2 से इंक्रीमेंट करें, अगर वो हर एक वैल्यू में 2 से इंक्रीमेंट करें, तो हम यहाँ पे कॉमा देके 2 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक फिगर में 2 को ऐड किया है, 1 प्लस 2 यानी 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, और 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इस तरह से ये रेंज को शो करेगा। अगर हम 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1, तो ये हर एक नंबर में 1 को इंक्रीमेंट करा देगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये फॉर लूप इस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑड और इवन नंबर को फाइंड किया जाए यूजिंग फॉर लूप, तो यहाँ पे हम 1 से लेके 20 के बीच में अगर इवन नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं इफ आई मॉडुला 2 इक्वल टू 0 कोलन, और यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्लियर करते हैं, पहले कंपाइल किया तो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स को प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखते हैं तो ये ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। लेकिन अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहते तो सेम वैसे ही आप यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो रेंज उसका होगा 2, रन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट कर देगा इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि सम ऑफ 10 नंबर्स का प्रोग्राम हम लिखे फॉर लूप यूज़ करके, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल सम इक्वल टू सम प्लस आई सकते हैं। तो सम को पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, सम इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, या सेमी कॉलन नहीं, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सम, क्योंकि हमें सम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ 1 टू 10 नंबर्स इक्वल टू सम, और यहाँ पे हमने कंपाइल किया, सिंटैक्स एरर यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा, कंपाइल किया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम जो है लास्ट में यहाँ पे 55 आ चुका है। अगर आप ये लूप से बाहर लिखना चाहते हैं तो इस लाइन को इस तरह से लिखेंगे, और फिर से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा सम ऑफ 1 टू 10 नंबर्स इक्वल टू 55, यानी फॉर लूप में हमने एक सम ऑफ 10 नंबर्स का प्रोग्राम यहाँ पे किया है। इस तरह से फॉर लूप को यूज़ करके हम कई सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, वो आगे भी हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।